हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट स्मिता। वेलकम टू वैलेमेज। दोस्तों, आज हम वो रेसिपी बनाने वाले हैं जिसका कर्नाटक के खानपान में एक अहम स्थान है और जिसे खाए बिना आपकी मैंगलोर उडुपी टूर कभी पूरी नहीं हो सकती। तो आज हम बनाने वाले हैं कर्नाटक की एक प्रसिद्ध डिश, चिकन घी रोस्ट। चिकन घी रोस्ट हम बना रहे 3 से 4 लोगों के लिए। इसके लिए हम लेंगे 1/2 किलो यानी कि 500 ग्राम चिकन। ये चिकन के पीसेस विद बोन्स है। हमने चिकन को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। घी रोस्ट का मेन इंग्रेडिएंट है घी। यहाँ हम लेंगे 4 से 5 टेबलस्पून घी, 1/2 कप दही, 125 ग्राम, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, नमक, 1 टेबलस्पून इमली, 1.5 टेबलस्पून गुड़, 10-12 कड़ी पत्ता। घी रोस्ट के मसाले में हम लेंगे 8 बेड़गी सूखी लाल मिर्च और 6 गुंटूर सूखी लाल मिर्च। अगर आपके पास गुंटूर मिर्च अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी तीखी लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून लौंग, ये लगभग 6 से 8 लौंग है, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया और 12 से 15 लहसुन की कलियां। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। एक बोल में डालेंगे हल्दी, थोड़ा नमक, नींबू का रस, इसे मिक्स कर लेंगे। आइए डाल देते हैं दही। दही को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही मिक्स हो गया है, अब हम डालेंगे चिकन के पीसेस। दोस्तों, ये चिकन हमने यहाँ विथ बोन्स लिया है। अगर आपको चिकन बोनलेस खाना पसंद है तो आप बोनलेस पीसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को हम अच्छी तरह से इस दही के साथ कोट कर लेंगे। चिकन को हमने इस मैरिनेड में मिक्स कर लिया है, अब हम इसे ढककर 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अब हम लाल मिर्च और इमली को पानी में सोक करेंगे। एक बोल में हमने मिर्च डाल ली है और एक छोटे बोल में इमली रख दी है। इस पर हम डालेंगे गरम किया हुआ पानी, मिर्च डूबने तक पानी डालेंगे और इमली को सोख होने के लिए हम सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून गरम पानी डालेंगे। ये दोनों जब तक सोख हो रही है, आइए तब तक मसाला भून लेते हैं। मसाला भूनने के लिए हम पैन में डालेंगे 1 टीस्पून घी। घी को मेल्ट होने देते हैं। अब हम घी में डालेंगे सारे खड़े गरम मसाले, जैसे कि साबुत धनिया, काली मिर्च, राई, लौंग, मेथी दाना और जीरा। इन सबको हम घी में भून लेंगे। हमें इन मसालों को तब तक भूनना है जब तक इनमें से भुनने की खुशबू ना आने लगे और ये हल्का ब्राउन रंग के ना हो जाए। दोस्तों, उडुपी से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है कुंदापुर। वहाँ एक प्रसिद्ध होटल शेट्टीज लंच होम में पहली बार मैंने चिकन घी रोस्ट खाया था। इस होटल की खास बात यह है कि लोग यहाँ चिकन घी रोस्ट खाने बहुत दूर दूर से आते हैं। इस डिश की डिमांड यहाँ इतनी ज्यादा है कि आपको अपना ऑर्डर लगभग 1.5 घंटे पहले देना होता है। इसलिए अगर आप इस होटल में खाना खाने जाएं, तो आपको 1 से 1.5 घंटा इंतजार करना होगा। जब मैंने पहली बार ये डिश खाई थी ना दोस्तों, तभी मैंने सोच लिया था कि ये डिश मैं अपने दर्शकों के लिए जरूर बनाऊंगी। दोस्तों, बात करते करते लगभग 1.5 मिनट हो गया है और हमारे मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। चलिए, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। अब हम मसाला पीसेंगे। ग्राइंडर में डाल देंगे घी में भुने हुए मसाले, सोख की हुई इमली डाल देंगे, इमली के साथ हम उसका पानी भी डाल देंगे, लहसुन, लाल मिर्च का पानी ड्रेन करके हम मिर्च को भी ग्राइंडर में डाल देंगे। आइए इस मसाले को पीस लेते हैं। घी रोस्ट का मसाला हमने पीस के तैयार कर लिया है। देखिए, मैंने इसे कितना फाइन और थिक पीसा है। इसे पीसते वक्त लगभग 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम चिकन को भुनेंगे।
जिस कढ़ाई में हमने मसाले भुने हैं उसी कढ़ाई का इस्तेमाल हम चिकन भुनने के लिए भी करेंगे, क्योंकि उस कढ़ाई में मसालों के फ्लेवर्स हैं जो हमें मिस नहीं करने चाहिए। कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। जैसे ही घी गर्म हो जाए उसमें हम डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन को हम तेज आंच पर 2-3 मिनट तक भून लेंगे। चिकन को हमने तेज आंच पर 3 मिनट तक भून लिया है। अब हम आंच धीमी करेंगे और चिकन को ढककर अपने ही जूसेस में पकने देंगे। 15 मिनट तक धीमी आंच पर हमने चिकन को पका लिया है। चिकन ऑलमोस्ट पक गया है। अब हम इसे आंच से उतारेंगे और एक बोल में निकालेंगे। दोस्तों, शुरुआत में सामग्री बताते वक्त ही मैंने आपसे कहा कि घी इस रेसिपी का मेन हीरो है, तो वापस इस गरम कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। उसमें डाल देंगे पीसा हुआ मसाला। अब हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और इस मसाले को हम घी में अच्छी तरह से भून लेंगे। धीमी से मध्यम आंच पर हमने मसाले को लगभग 5 मिनट तक भून लिया है। देखिए दोस्तों, साइड से घी भी छूटने लगा है। हमारा मसाला अभी पक गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे चिकन। चिकन मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हम घी रोस्ट में एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, जो चिकन के जूसेस है उसी में हम चिकन को पकाएंगे। अब हम आंच धीमी करेंगे और चिकन को ढककर पकने देंगे। चिकन को ढककर पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। आइए ढक्कन खोलकर देख लेते हैं। दोस्तों, चिकन हमारा अच्छे से पक गया है और ये मसाला भी काफी थिक हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे गुड़ और कड़ी पत्ता। दोस्तों, चिकन घी रोस्ट एक मसालेदार ग्रेवी है, तो ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा पानी है ग्रेवी में, हम इसे सुखाएंगे। हम आंच तेज करेंगे और चिकन को 2-3 मिनट तक पकाएंगे। चिकन को हमने तेज आंच पर 3 मिनट तक पका लिया है। चिकन घी रोस्ट हमारा तैयार है। अब हम इसे आंच से उतारेंगे और सर्विंग टाइम तक ढक कर रखेंगे। दोस्तों, चिकन घी रोस्ट ट्रेडिशनली घी डोसा या फिर चावल के साथ खाया जाता है। मैंने इसे आंबोड़ी के साथ भी ट्राई किया है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कर्नाटक की रेसिपीज जानने के लिए हमारे कर्नाटक की प्लेलिस्ट चेक करना ना भूले, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करना भूलिएगा मत। हमारे रेसिपीज के नोटिफिकेशंस और चैनल के रेगुलर अपडेट्स इसके जरिए आपको मिलते रहेंगे। सो सब्सक्राइब नाउ एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग। बाय बाय। Thank you.